द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। पश्चिम मध्य रेल में इन दिनों अवैध रूप से जो ट्रेन में यात्रा करते हैं, टिकट नहीं लेते हैं, उनके ऊपर धरपकड़ की जा रही है, साथ साथ पूरी तरह से चेकिंग भी की जा रही है। इसी क्रम में पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी हरदा सेक्शन पर अवैध वेंडिंग की जांच को लेकर शनिवार को रेल मजिस्ट्रेट भोपाल कपिल सोनी, मंडल वाणिज्य प्रबंधक भोपाल आर के पाराशर द्वारा इटारसी हरदा रेल सेक्शन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य फोकस अवैध वेंडर्स की धरपकड़ था, साथ साथ जांच के दौरान इस प्रकार के प्रकरण सामने नहीं आए। भोपाल और इटारसी खाद्य सामग्री के स्टॉल पर चेक किए गए, लेकिन इस तरह कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इस दौरान बिना टिकट और अनुचित टिकट लेकर चलने वाले लगभग 143 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण बनाकर उनसे 60,000 से अधिक रुपए की राजस्व की वसूली की गई। इस अभियान में जीआरपीएफ के 10, आरपीएफ के 8 और टिकट चेकिंग के 10 सदस्यों ने भाग लिया और इन लोगों की धरपकड़ की, जो कि लगातार बिना टिकट के पाए गए। तमिलनाडु एक्सप्रेस, कामयानी एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस और मुंबई अमृत एक्सप्रेस में ये जांच की गई, जिसमें लगभग 143 से अधिक व्यक्ति बिना टिकट लेकर चलते हुए पाए गए।